डॉक्टर्स का ख्याल ये था कि लॉकडाउन को जो है ना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जिसको बढ़ा अभी कंटिन्यू करना चाहिए था उसको, क्योंकि हम समझते थे कि दो अगर बहुत स्ट्रिक्टली अगर हम एक महीना लॉकडाउन कर लेते तो उसमें ये था कि दो इंक्यूबेशन पीरियड निकल जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन अगर स्ट्रिक्ट हो तो उसमें मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना, आपको पता है कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम फ्रेजाइल है, वो एकदम लोड नहीं उठा सकेगा। लेकिन अगर लॉकडाउन करते हैं तो थोड़े थोड़े केसेस आते हैं, जैसे कि आपने देखा शुरू में, और उसमें ये होता है कि जी आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव होता भी है, एक घर के अंदर कोई पॉजिटिव है, तो वो मैक्सिमम अपने घर के 5-6 लोगों को अफेक्ट करेगा। अगर वो बाहर होगा तो 400-500 लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो पहला इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का एक होता है, अगर कोई पॉजिटिव था और उसने फिर उस दौरान अपनी फैमिली में इन्फेक्ट किया लोगों को, तो जब 14 दिन इसके पूरे हुए ये तो ये क्योर हो गया। लेकिन वो जो दूसरे हुए थे उनके लिए उनको 14 दिन और चाहिए होते हैं ताकि उसके अंदर वो भी क्योर हो जाए। तो फिर उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो कम केसेस होते हैं, तो वो फिर इस किस्म का नहीं हो सका। और 14 अप्रैल को जब आपने देखा, 14 अप्रैल तक अगर आप देखें अपना डेटा को रिव्यू करें, तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई 5,000 कुछ केसेस थे, और उसके साथ अगर आप 28-29 अप्रैल को देखें तो वो 10,000 से ज्यादा हो चुके हैं। तो 5 दिन में डबल हो गया लॉकडाउन लूज करने से। अब आप देखें, और उसका इम्पैक्ट अभी तक आ रहा है, हम अब 20,000 पे पहुंच चुके, तकरीबन 20,000 पे पहुंचने वाले हैं, और वो इम्पैक्ट इसी वजह से था कि आपने जब ईज आउट किया और लोगों में इंटरमिंगलिंग शुरू हुई, तो इस किस्म अब जो है ना सूरत हाल जो है ना, जो अब हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर आ गई, तो अब 400 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स अफेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, 400 का मतलब 400 नहीं होता, क्योंकि 400 लोग जब अफेक्ट होते हैं तो उनके साथ कुछ और लोग भी काम कर रहे होते हैं, तो उसको उनको भी हमको क्वारंटाइन करना पड़ता है, ताकि क्योंकि उनका इनसे एक्सपोजर होता है, क्योंकि जिस किस्म की एक वबा है जो कि बहुत एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कौम को एक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब मिक्स मैसेजेस जा रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि हम लोग जो है ना चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे होते हैं और हमें उसकी ट्रेजेक्ट्री पता होती है, तो वो जब कुछ इस किस्म के फैसले हो रहे होते हैं तो उससे ज़रा फ्रस्ट्रेशन होती है। मेरी जो है ना आम आवाम से मुअद्दबाना गुजारिश है, इल्तजा है, मैं हाथ जोड़ के इल्तजा करता हूँ कि जी आप गैर जरूरी अपने घर से ना निकलें, और जो एहतियातें आपको बताई जा रही है वो एहतियात करें। इस वक्त कौम को एक होना चाहिए, इसमें हम सबको अपना रोल अदा करना चाहिए, वो आम आवाम, बिजनेसमैन, उलमा, लीडरशिप, मीडिया, सबको अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। देखिए ये वक्त वो नहीं है कि जो हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो कि लोग मर रहे हैं कि जी वो हो गया। इस वक्त खुदारा मोराल हाई करें लोगों को, लोगों को बार 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 ये कहें कि जी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस वबा से निकल जाएंगे। रमजान का महीना है, सब लोग अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस वबा से जल्दी भी तमाम नौए इंसानी को इस वबा से जान छुड़ाए, और अल्लाह ताला जो है ना जब ईद हो तो सही ईद हो, हम लोग ईद की नमाज बाजमात अदा करें,